नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसे कब और किसने बनाया, इसके बनाने के मेन पर्पज क्या थे और क्रिप्टो करेंसी आपको किस तरीके से कुछ बेनिफिट पहुँचा सकती है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज मैं इन्हीं सारे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्रिप्टो करेंसी टर्म की मीनिंग को समझना पड़ेगा। तो क्रिप्टो करेंसी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, क्रिप्टो और करेंसी। जो क्रिप्टो वर्ड है वो क्रिप्टोग्राफी से लिया गया है। अब ये क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? क्रिप्टोग्राफी दोस्तों एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिसमें आप अपने डेटा को एक जगह से दूसरे जगह में काफ़ी सिक्योरली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये सिक्योरली ट्रांसफ़र क्या होता है? तो दोस्तों, सिक्योरली ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको अपने रियल लाइफ में जोड़ के देखेंगे, तो सपोज करिए कि आपके पास एक फ़ाइल है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रखा हुआ है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट डेटा आप अपने किसी फ्रेंड को भेजें और उसे कोई और ना देख पाए, तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप उसमें एक पासवर्ड लगाएंगे और उसे अपने फ्रेंड को भेजेंगे और साथ में अपने फ्रेंड को ये बात भी बताएंगे कि देखो भाई, इसका ये पासवर्ड है और इसे लगा के तुम इसे ओपन कर लो। तो ऐसे केसेस में आपका दोस्त उस पासवर्ड से उस फाइल को ओपन करेगा और उसके डेटा को यूज करेगा। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है क्रिप्टोग्राफी में, जहाँ पे आपके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे इनक्रिप्ट करके भेजा जाता है और सिर्फ वही रीड कर सकता है जिसके लिए वो डेटा भेजा गया हो। और ऐसा करने के लिए उसे एक सीक्रेट की जरूरत पड़ती है, जिसे हम डिक्रिप्शन की भी बोलते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई, ये इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है? तो दोस्तों, जब हम अपने डेटा को किसी सीक्रेट अनरीडेबल कोड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को इनक्रिप्शन बोलते हैं। ये अनरीडेबल कोड सिर्फ और सिर्फ कोई मशीन या कोई इंसान ही समझ सकता है जिसके पास उसे डिक्रिप्ट करने की हो। और जो डिक्रिप्शन होता है वो इस अनरीडेबल कोड्स को वापस रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का ही प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिक्रिप्शन की। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई क्रिप्टो के वर्ड की मीनिंग की। अब अगर हम बात करें करेंसी वर्ड की, तो करेंसी दोस्तों सिंपल से सिंपल भाषा में हम यही कह सकते हैं कि करेंसी सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम होता है जो हमारे किसी भी सर्विसेज या नीड्स को फुलफिल करने में यूज होता है। अब अगर इसे मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊँ, तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक 100 रुपये का नोट रखा हुआ है और आपको उसी समय भूख लग जाती है या फिर आपको एक जगह से किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे? क्या आप उस 100 के नोट को खा करके अपनी भूख मिटा सकते हैं या फिर आप उस नोट पर बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं? तो दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको भूख लगी होगी तो आप उस नोट के जरिए कोई खाने की चीज़ खरीद सकते हैं या आपको कहीं जाना होगा तो आप उस नोट के जरिए वहाँ की एक टिकट ले सकते हैं। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि करेंसी सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम ही होता है जो आपकी सर्विसेज को या किसी नीड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों, अगर हम क्रिप्टो और करेंसी इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग को ज्वाइन करें तो हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक तरह की करेंसी होती है जो कि हमारी ट्रांजेक्शन को काफ़ी सिक्योरली कंप्लीट करती है। तो दोस्तों, ये बात होगी क्रिप्टो करेंसी की। अब अगर मैं ये बात करूँ कि इसे कब और किसने बनाया और इसे बनाने के पर्पज क्या थे, क्योंकि जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसके कुछ ना कुछ पर्पज जरूर होते हैं। तो फ्रेंड्स, सतोशी नाकामोटो ने एक पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन सिस्टम क्रिएट किया था और वो ये चाहते थे कि जब कोई ट्रांजेक्शन हो तो उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जो उसको कंप्लीट करने में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि भाई, ये पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन सिस्टम क्या होता है? तो दोस्तों, ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें सिर्फ उन्हीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जो उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम पीयर टू पीयर सिस्टम बोलते हैं। और जब ऐसी किसी टेक्नोलॉजी को हम ट्रांजेक्शंस को कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं तो उसे हम पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन सिस्टम बोलते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज को बनाने के मेन पर्पज क्या थे। तो जो सबसे पहला पर्पज यही था कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए जहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जो कि उसे यूज कर रहे हैं। जो दूसरा इसका पर्पज था वो ये था कि एक ऐसी करेंसी बन जाए जिसकी वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहे। अगर हम आज के वर्ल्ड में देखें तो अगर हमारे पास किसी एक कंट्री की करेंसी है और हम किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो हमें अपने करेंसीज को उस कंट्री से एक्सचेंज करना पड़ता है वहाँ पे यूज करने के लिए। लेकिन दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के साथ कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है कि अगर आप इसकी प्राइस को कहीं पे भी यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, इसीलिए हम इसे डिसेंट्रलाइज्ड करेंसीज भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, एक और जो तीसरा पर्पज था वो ये था कि हम क्रिप्टो करेंसी में पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी आसानी से बड़े ही कम समय में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जो इसकी ट्रांसफ़र करने की फ़ीस होती है वो भी काफ़ी कम
होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान दें कि मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, मैं यहाँ पे एक पूरे क्रिप्टो करेंसी के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ खास पर्पज जिनकी वजह से क्रिप्टो करेंसी को बनाया गया। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या हमें क्रिप्टो करेंसीज को यूज करना चाहिए या फिर नहीं, और अगर हम इन्हें यूज करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको 3 पॉइंट बताने वाला हूँ जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा कुछ समझ सकेंगे कि क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है और इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है जो इसको यूज कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो काफ़ी सिक्योरली कंप्लीट होता है क्योंकि इसमें क्रिप्टोग्राफी का भी कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। तो इसके जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो काफ़ी सिक्योर होते हैं बाकी किसी भी करेंसी के ट्रांजेक्शन के कंपेरिजन में। दोस्तों जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसीज में अगर आपके पास किसी कॉइन है और आपने उसे कहीं स्टोर करके रखा हुआ है तो इसे आप यूज करने के लिए पूरी तरीके से फ्री हैं, आप इसे कहीं पे भी किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन जब कोई आप सेंट्रलाइज करेंसी, जैसे अगर आप अपने रुपए को अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं और वहाँ पे अगर आपकी जो अथॉरिटी है उन्हें ये लगता है कि आपके अकाउंट से कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही हैं तो वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकती हैं। ऐसे केसेस में पहले आपको अपने अकाउंट को अनब्लॉक कराना होगा, उसके बाद ही आप अपने पैसे को यूज कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में अगर आप अपने किसी फंड को किसी वॉलेट में स्टोर करके रखा हुआ है तो आप उसे किसी भी तरीके से कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, बस वो जहां पे आप यूज कर रहे हैं वहां पे उसे यूज किया जाना अलाउ होना चाहिए। दोस्तों जो तीसरा बेनिफिट है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी में आप अपने ट्रांजेक्शन को काफ़ी फास्टली कंफर्म कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर अपने पैसे को काफ़ी तेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं और साथ में जो इसकी ट्रांजेक्शन की फ़ीस होती है वो भी काफ़ी कम होती है। तो दोस्तों ये थे क्रिप्टो करेंसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उनके जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। इसके साथ दोस्तों आप हमारी वेबसाइट www.cryptotutorials.in पे विजिट करके किसी भी कॉइन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इसके साथ आपको वहाँ पे हमारी सारी वीडियोज के आर्टिकल्स हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएंगे जिन्हें आप पढ़ करके क्रिप्टो करेंसी के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। दोस्तों आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें क्योंकि वहाँ पर आपको हमारी सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वहाँ पर आपको डेली क्रिप्टो करेंसी की क्विक अपडेट जो भी आती हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।